वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मेरी तरह अच्छे होंगे। वीडियो होने वाली बेस्ट मोबाइल व्लॉगिंग सेटअप के बारे में, जो मैंने अभी अपना बनाने जा रहा हूं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, मोबाइल चाहिए और माइक चाहिए और ट्राईपॉड चाहिए। तो मोबाइल तो मेरे पास पहले ही से है, मैंने अभी जल्दी परचेज़ किया था सैमसंग गैलेक्सी A50। वो आपने वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आ रही, वो देख लीजिएगा। अमेजोन से मैंने माइक और ट्राईपॉड मंगा। ट्राईपॉड मेरा पहले से था पर वो ज़्यादा सही नहीं था, तो एक मैंने नया ट्राईपॉड मंगवाया है। तो उन लोगों की पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बनाना कैसे व्लॉगिंग। तो अभी आप तीन प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो चलिए एक एक करके नीक की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे ये है माइक, तो इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए माइक की अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं अंदर से कैसा लगता है। बाहर से देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओ माय गॉड, OMG। तो देख सकते हैं ये माइक का डेड कैप है, जिससे विंड ब्लास्ट अंदर नहीं जाएगी। और ये कोल्ड शू माउंट पे लगेगा, जिस पर अपना माइक अटैच होता है। इसको साइड में रखते हैं। और ये अपनी मोबाइल केबल, जिस पर अपना हम मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये है कैमरा केबल, जब कभी DSLR हम कभी फ्यूचर में लेंगे तब इस DSLR में भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और ये बोया MM1 का केस है, इसमें अपना माइक रख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बोया लिखा होगा, ब्रांडिंग होगी। तो चलिए ओवरऑल अभी तो क्वालिटी माइक की पता नहीं चल रही है, पर इसको लगाने के बाद पता चलेगी। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसके बाल छूट रहे हैं, इसके बाल झड़ रहे हैं, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा लग रहा है। ओहो, इतना गंदा ये लग रहा है, बकरी के पूछ के बाल हैं। तो इसके पीछे ऐसे अटैच हो जाएगा अपना। तो अभी मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये अपने मोबाइल में लग जाएगा और ऐसा आप देख सकते हैं, ये इधर माइक साइड में लगेगा ऐसे। तो ये लग चुका है, अगर डेड कैप निकाल के देखते हैं तो माइक कैसा लगता है, जरा वैसे भी आपको दिखा देते हैं। तो माइक निकालने, डेड कैप निकालने के बाद माइक कुछ ऐसा नज़र आता है नॉर्मली देखा जाए। तो ये देखते हैं आप, और यहाँ आपको बोया बाई MM1 दिखा, माइक की ब्रांडिंग दिख रही होगी, नाम लिखा है। तो माइक बहुत ही अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। तो इसको लगा देते हैं जैसे हम लोग ने निकाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अनबॉक्सिंग हो गई है, तो एक एक करके मैं आपको चीज़ें बताता हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो पहली चीज़ ये गोरिल्ला पॉड, जो कि एडजस्टेबल है। और ये और क्या कहते हैं मोबाइल, आपको पहले गोरिल्ला पॉड चाहिए और साथ में मोबाइल होल्डर चाहिए, जो कि इसके साथ मुझे 500 का मुझे मिला है, तो उसके साथ ही था, अलग से मुझे नहीं पे करने पड़े। तो ये आपको चाहिए मोबाइल होल्डर, इसी के ऊपर आपका माइक लगेगा। तो ये दो चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कोल्ड शू माउंट देख रहे हैं, दिखता तो बहुत छोटा है पर ये बहुत काम का है। इसको खाली, इसके खाली रुपए में हमको 500 पे करने पड़े हैं। तो ये इस पर अपना माइक लगेगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं तो मैं जुगाड़ बनाऊँगा, तो अपना माइक उस पर फिट करूँगा मोबाइल होल्डर पे। तो इसको साइड में रखते हैं, अब स्पेशल चीज़ दिखाते हैं। तो स्पेशल चीज़ आप देख सकते हैं वो है बोया का MM1 माइक, जो कि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इसको यूज़ करने का बहुत ही सारे रीज़न थे। जो पहला रीज़न, आप लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो वीडियो क्वालिटी तो इम्प्रूव कर ली थी मैंने, पर वॉइस क्वालिटी नहीं इम्प्रूव करी थी। तो मैंने अब माइक मंगवा लिया, तो आपको अब आगे से वॉइस क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो वीडियो शुरू करते पहले आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो पहले आपको चाहिए गोरिल्ला पॉड, और दूसरी चीज़ आपको चाहिए मोबाइल अडॉप्टर, जो कि आपके गोरिल्ला पॉड पे लगेगा। और आपको माइक लगाने के लिए चाहिए कोल्ड शू माउंट, और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ चाहिए आपको बोया MM का माइक, और पांचवी चीज़ आपको चाहिए जिससे आप मोबाइल से अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, जो आपका फ़ोन है जिसका अच्छा कैमरा, तो आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने गैलेक्सी A50 यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसका कैमरा जो क्वालिटी वो ज़्यादा अच्छी है।
तो अगर आपने ये इसकी वीडियो नहीं देखी, मैंने अलग से वीडियो बनाई, तो ऊपर आई बटन में आ रही, वो देख लीजिएगा। तो ये पांच चीज़ें चाहिए, तो अभी चलते हैं इसको असेंबल करते हैं। तो असेंबल करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, तो इसको हम जुगाड़ लगा के यहाँ पे चिपकाना होगा। तो अभी चिपकाते हैं, फिर देखते हैं कैसा क्या बनता है। तो अभी हम लोग ने एरल डाइट का सोल्यूशन बनाया है, तो इसी से हम लोग चिपकाएँगे, क्योंकि फेविकोल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फेविकोल से कुछ टाइम के बाद छूट जाता है, पर इससे नहीं छूटेगा। तो कुछ ऐसा बना है सोल्यूशन, देख सकते हैं पूरा लपसी हो रहा है। तो चलिए इससे आप जोड़ के दिखाते हैं आपको। तो ये शू माउंट है, ये मोबाइल होल्डर है, तो अभी ये बन चुका है, तो इसमें के लिए रख देते हैं, और फिर जब थोड़ा सा ये मजबूत हो जाता है, फिर इसमें अपना माइक अटैच करेंगे। 6 hours later तो फाइनली ये मोबाइल होल्डर पे हम लोग ने कोल्ड शू माउंट ऐड कर लिया है, मतलब चिपका लिया। अब ये पूरी तरीके से चिपक चुका है, देख सकते हैं आप, बहुत ही हार्ड हो गया है। कम से कम ने इसको हम लोग ने 6-7 घंटे ऐसे ही छोड़ दिया था धूप में रख के, तब ये बिल्कुल हार्ड हो गया है। अब इसमें हम लोग लगाते हैं अपना ट्राईपॉड, तो ट्राईपॉड लग चुका है इस पर। अब इसको अपना माइक इंस्टॉल करेंगे, वो माइक ही इंस्टॉल हो गया। अब इसको अपना मोबाइल ऐड करेंगे, तो देख सकते हैं कुछ ऐसा लगता है बिना मोबाइल के। तो अब इसमें अपना मोबाइल लगाएंगे, तब आपको दिखाते हैं कैसा लगता है। तो ये अटैच हो गया, कुछ ऐसा नज़र आता है अपना चीप ब्लॉगिंग सेटअप, मोबाइल ब्लॉगिंग सेटअप। तो आप पीछे से देख सकते कैसा लगता है, और ये आगे से कैसा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अगर आप कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको क्या कहते हैं, इसको ये खाली आपको तीन चीज़ें खरीदनी पड़ी थी, एक ट्राईपॉड और एक क्या कहते हैं मोबाइल होल्डर और एक माइक, और आपके पास जो फ़ोन हो उससे यूज़ कर सकते हैं जिसका कैमरा बेटर हो। तो अभी इसके मैं फुटेज दिखाऊंगा, मतलब ऑडियो क्वालिटी दिखाऊंगा कि कैसी है, मतलब कुछ डिफरेंस आया कि नहीं आया माइक लगाने के बाद। तो अभी मैं पहले ऐसे आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, फिर माइक लगा के टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। तो अभी ये जो आप वॉइस सुन रहे हैं, ये बिना माइक के सुन रहे हैं। अभी मैं इसमें माइक लगाऊंगा, फिर दिखाऊंगा कि आपको ऑडियो में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप वो देखिएगा अब माइक लगाने के बाद। तो फाइनली हम लोग ने माइक लगा लिया, आपको ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंट नज़र आ ही रहा होगा। अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि अभी हमको पता नहीं चल रहा है, जब हम इसमें वीडियोस देखेंगे तब पता चलेगा कि कुछ डिफरेंस आया कि नहीं आया कि ऑडियो क्वालिटी में। वॉइस इंप्रूव हो गई, जो वॉइस है थी वो मेन थी, क्योंकि अगर हम लोग ट्राफिक में या फिर कहीं जाते हैं वीडियोज़ बनाने के लिए, तो बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आती है, तो अब बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आने वाली है माइक लगाने के बाद। अब जो डायरेक्ट आवाज़ है वो मेरी आप तक पहुँचेगी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब अभी इतना खर्चा नहीं कर सकते, अभी जितना मैं खर्चा कर सकता था तो उससे ज़्यादा ही मैंने कर दिया खर्चा। तो आगे वाले टाइम में देखेंगे, कैमरा भी ले लिया जाएगा, पर इस ये क्या कहते हैं, हमने अपनी वीडियो क्वालिटी तो इम्प्रूव कर ही ली थी नया फ़ोन लेके, अब मैंने अपनी ऑडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव कर ली, तो सब चीज़ इम्प्रूव है। अब बस अच्छे अच्छे व्लॉग आने की देरी है। प्राइस बता देता हूँ कितने रुपए की हैं। तो पहली बात करते हैं ट्राईपॉड की, ये जो आप ट्राईपॉड देख रहे हैं ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था, ये 400 रुपए का मुझे मिला था। और इसके साथ ये क्या कहते हैं, आप ये देख सकते हैं मोबाइल होल्डर, ये भी था साथ में। तो ये दोनों चीज़ मुझे 400 रुपए की मिली थी, उस समय डील चल रही थी, अच्छी डील मिल रही थी। और उसके ऊपर आप जो शू माउंट देख सकते हैं, कोल्ड शू माउंट, जिसमें मैंने अपना माइक लगाया है, तो ये मुझे पड़ा था 500 रुपीज़ का। और इसके साथ एक बॉल हेड भी मिला था, जो कि अपने ट्राईपॉड पे लगा सकते हैं, जिनके ट्राईपॉड में बॉल हेड नहीं आता है। और चौथी जो मेन जो फीचर्स है जिसके लिए वीडियो बनाएगी, वो है बोया M120 माइक, ये मुझे पड़ा था 1700 का। तो इसकी जो इस प्राइस रेंज में इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो
हर चीज़ का प्राइस मैंने बता ही दिया आप लोग को। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इनको परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको ये मेरा मोबाइल ब्लॉगिंग सेटअप कैसा लगा? तो शायद अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग भी नए हैं, यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो कम पैसे में इन्वेस्ट करके आप लोग अच्छा ब्लॉगिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं, जो कि मैंने तैयार कर लिया अपना। आई होप आप लोग को आवाज़ में थोड़ा फ़र्क नज़र आया होगा, तो मुझे तो बहुत ही फ़र्क नज़र आया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको सब्सक्राइब बटन उसको दबा के मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।